दोस्तों मेरे साथ एक रेस्क्यूअर है। रेस्क्यूअर इसलिए क्योंकि रेस्क्यू इसने क्या किया है इसी से जानते हैं और पूछते हैं छोटे से हमारे बादशाह से कि इसका नाम क्या है। नाम क्या आपका? क्रिश। क्रिश, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो कबूतर है कहाँ से मिला आपको? वहाँ से, वहाँ पे जख्मी पड़ा हुआ था तो हम दोनों ने लाए यहाँ पे। बड़े लोगों के पास गए तो उन्होंने कहा हमारा नहीं है ये, तो भैया ने हमें इसके पर पकड़ के रखो ताकि ये उड़े नहीं, ठीक है ना, ताकि ये उड़े क्योंकि जख्मी है इस वक्त बहुत ज़्यादा। तो आपके हाथ पे खून लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि हमारे इस नन्हे रेस्क्यूअर के हाथों पे खून लगा हुआ है। लेकिन इस रेस्क्यूअर ने देखा कि इस कबूतर का पर जख्मी है और इसने इस कबूतर को कुत्तों से बचाया, इस कबूतर को जानवरों से बचाया और बचाकर हल्दी लगाई है। और हल्दी लगाने के बाद अब क्या करेंगे? अब इसका रख देंगे सेफ जगह पे। सेफ जगह पे रख देंगे, ठीक है। ऐसा पहले भी करते हैं, पहली बार कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम। जानवरों से प्यार है आपको? यस। अच्छे लगते हैं? क्या मन करता है आपको कि इनको बचाया जाए? तो कोई संदेश देना चाहेंगे लोगों को, जानवरों से रिलेटेड कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? हम कहेंगे कि आपको जहाँ पे भी कोई भी जख्मी चीज लगती है उसको उठा के सेफ जगह पे रख दे और उसका ट्रीटमेंट करें। तो क्रिश का कहना है कि कभी भी अगर कहीं भी आपको परिंदा या जानवर जख्मी दिखता है उसकी ट्रीटमेंट करें और क्रिश के इस मैसेज को लें और इस नन्हे रेस्क्यूअर को आप लोग भी अप्रिशिएट करें अपने कॉमेंट्स के साथ, अपने लाइक्स के साथ। क्यों? यस, बिल्कुल। ये सामने कबूतर जख्मी जिसको इस नन्हे रेस्क्यूअर क्रिश ने बचाया है। दीजिए इजाजत TSL।